हेलो एवरीवन दिस इज रेखा सिंह वेलकम यू ऑल ऑन केयर स्टडीज हब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिक्सटी सेवेंथ बी पी एस सी मेन्स प्रिपरेशन की सीरीज में आज का वीडियो है टूडे वील डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन गांधी नेहरू एंड टेगौर बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जी एस पेपर वन का सेक्शन सेकेंड जो है हिस्ट्री गांधी नेहरू टेगोर जो पर्सनैलिटीज हैं उनसे आपको हर साल एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हिस्ट्री वाले सेक्शन में तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ओके okay? उसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गांधी नेहरू टेगोर पे जो मैंने कवर कर दिए हैं ऑलरेडी चैनल पे बट फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक है इन तीनों पर्सनालिटी से रिलेटेड जो अभी कवर करना बाकी है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में ओके okay. तो इस बार टेगौर जी के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं एग्जाम में आने के जैसा कि मैंने प्रिडिक्टेड क्वेश्चन का लिस्ट आपको ऑलरेडी दे दिया है हिस्ट्री सेक्शन का ठीक है तो होप कि आपने सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर अब तक कर लिए होंगे और किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं वो मुझे भेज भी रहे हैं आई पर्सनली वेल्यूएट दो आंसर बहुत ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर उनका कॉन्टेंट एकदम शानदार है तो आई रियली अप्रीशिएट दैट कुछ बच्चों को अभी मेहनत करने की और जरूरत है तो वर्क हार्ड प्लीज बिकॉज चांस आपको बार बार नहीं देगा आपका जो लाइफ है तो अभी आपको चांस मिला है तो बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने आपको प्रूफ कीजिए ओके दैट यू डिजर्व दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ ओके तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के चांसेस इस बार ज्यादा है तो सबसे पहले हम रविंद्राथ टैगोर जी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे ए द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक बंगाली लिटरेचर साहित्य और संगीत में रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान रहा है तो उनका बहुत अच्छा योगदान है ये चैनल पर मैंने ये वीडियो कवर किया हुआ है ऑलरेडी तो ये बहुत इमोल प्राइज भी उन्हें लिटरेचर का मेला था ठीक है गीतांजलि बुक के लिए तो ये क्वेश्चन आप बहुत शानदार तरीके से लिख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा भी है डिफाइन नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को आप कैसे परिभाषित करेंगे और हाउ इट बाय द बायिंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे कैसे संबोधित किया था नेशनलिज्म जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए क्या था ठीक है अलग अलग लीडर्स के लिए नेशनलिज्म की डेफिनेशन अलग अलग थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर नेशनलिज्म से क्या समझते थे और क्या लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया करते थे तो वो आपको डिस्कस करना है ये क्वेश्चन भी बीपीएससी का पूछा हुआ है सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टेगोर के विचारों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए ठीक है उनके जो विचार थे उनकी सामाजिक मतलब उनके सोशल इंपॉर्टेंस uh, क्या थी और उनकी कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या थी दोनों को डिस्कस करना एजुकेशन से रिलेटेड भी इनके व्यूज जो हैं पूछे जाते है टैगोर के तो ये क्वेश्चन एक आपको और एक्स्ट्रा तैयार करना है क्योंकि गुरुकुल वगैरह पे बहुत काम किया था एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो आप उसको भी तैयार करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए कांग्रेस से अलग कैसे थी देखिए वैसे तो एक्टिवली पार्टिसिपेट रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं कर रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये आपको भी पता है और हमें भी पता है बट उनका जो कंट्रीब्यूशन था दैट इज क्वाइट लार्जर काफी बड़ा था आ, तो वो कैसे था ये टॉपिक भी मैं कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे तो आप देख लीजिएगा और वो कांग्रेस से कैसे अलग था इनका कंट्रीब्यूशन क्या इंपॉर्टेंस थी इनकी कंट्रीब्यूशन की क्या लोगों पे प्रभाव पड़ा तो वो सब आपको डिस्कस करना होगा इन सब के अच्छे खासे चार चार पेज या फिर लगभग अगर शॉर्ट नोट में आएगा तो आपको ढाई पेज का लिखना होगा और अगर आपको Uh, पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में आता है तो लगभग चार साढ़े चार पेज का आंसर लिखना होगा तो अकॉर्डिंगली आप अपना जो कंटेंट है वो तैयार करके पहले से रखेंगे ठीक है ये बात हुई रविन्द्र टैगोर जी के एजुकेशन पे और इनके व्यूज आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा बुक में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ गांधी नेहरू टैगोर का की किताब आती है स्पेक्ट्रम की छोटी सी किताब है uh, कुछ डेढ़ सौ दो सौ की आती होगी उसमें डेढ़ सौ प्लस पर्सनालिटीज हैं और भी पर्सनैलिटीज के बारे में दिया हुआ है बहुत अच्छी शानदार किताब है गांधी नेहरू टेगोर पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया हुआ है तो वो बुक होप आप आपने परचेज कर ली होगी नहीं की है तो प्लीज डू परचेज दैट पर्टिकुलर बुक उसके बाद देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज के जो विचार हैं जो उनके थॉट्स हैं जो उनके कोर्ट्स हैं वो आपको मैंशन करने होते हैं तो टेगौर जी के बहुत शानदार कोर्ट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे डिफरेंट uh, वेबसाइट्स पे कुछ मैंने मैंशन कर दिया है यहाँ पे पेट्रोटिज्म के बारे में उनके बारे में पूछा जाता है कि वो पेट्रोटिज्म को कैसे डिफाइन करते थे देशभक्ति उनके लिए क्या मायने रखती थी क्या डेफिनेशन uh, थी देशभक्ति की टेगौर जी के लिए है ना और कैसे उन्होंने उसको डिफाइन किया तो ये सारी चीज तो ये बहुत अच्छा उनका कोट है जो उन्होंने उस समय कहा था रिफ्यूजी इज ह्यूमैनिटी आई विल नॉट बाय ग्लास फॉर द प्राइस ऑफ ह्यूमैनिटी एज आई देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक शेल्टर नहीं हो सकता मेरी शरण मानवता है मानवता को हमेशा ऊपर रखा करते थे टेगोर जी तो ये बहुत उनकी एक अच्छी चीज थी जो उनको दूसरों से अलग करती थी मैं हीरे की की कीमत में कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक देशभक्ति को मानवता पर विजय प्राप्त नहीं होने दूंगा ठीक है उनके लिए ह्यूमैनिटीज बहुत ऊपर थी देशभक्ति से भी ऊपर वो ह्यूमैनिटी को रखते थे मानवता को रखते थे तो अगर patriotism वाला क्वेश्चन आता है तो इस तरह के आप उनके कोर्ट भी जो है वो डाल सकते हैं और भी कुछ उनके कोर्ट्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड जैसे ये उनका एक कोर्ट है द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट डज नॉट डली गिव्स अर इन्फॉर्मेशन हाइएस्ट उच्चतम शिक्षा वह नहीं है जो केवल हमें जानकारी देती है बल्कि वो है दैट मेक्स आर लाइफ इन हारमोनी विद ओवल एग्जिस्टेंस ठीक है हमारे जीवन को सभी अस्तित्व के साथ सद्भाव में जो लेकर आती है और हम उसके एजुकेशन मानते हैं आप हम्बल हो जाए ह्यूमिलिटी आपके अंदर आ जाए ये भी इन्होंने मेंशन किया था वी कम नियर टू द ग्रेट व्हेन वी आर ग्रेट इन ह्यूमिलिटी हम महान के निकटतम तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान हो जाते हैं है ना तो जितना इंसान सक्सेसफुल होता है उतना ही ज्यादा वो विनम्र हो जाता है आपने देखा होगा कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा लगते हैं तो वो झुक जाता है उसकी डालियाँ झुक जाती हैं तो वैसे ही जितना इंसान सक्सेसफुल होगा जितना महान होगा वो उतना ही विनम्र होता है तो ये बात भी टैगोर जी ने कही थी इस तरह की इनके कई सारे कोड्स हैं आप कहोगे तो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगी अभी मैंने कुछ ही मैंशन किए हैं ठीक है उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी से लगभग दो तीन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और एज आई सेड के पिछले साल ही नेहरू जी के बारे में पूछा गया था तो इस बार चांसेस कम है बट फिर भी आप तीन क्वेश्चन तो एटलीस्ट तैयार करेंगे ही करेंगे नेहरू जी से डिस्कस ऑफ नेहरू इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू की प्रासंगिकता प्रसंग, पर चर्चा कीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेहरू जी के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि मॉडर्न इंडिया की मेकिंग में उनका क्या योगदान था द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसीज अक्सर पूछी जाती हैं ठीक है थीके? तो आप इसको भी प्रिपेयर करेंगे ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है डिस्कस द नेहरू व्यूज ऑन कम्युनलिज्म एंड कम्युनलिज्मिक ये क्वेश्चन बीपीएससी uh, का पूछा हुआ है कम्युनलिज्म और कम्युनलिज्मिज्म पर नेहरू जी के विचार क्या थे ओके okay? ये तीन क्वेश्चन आप नेहरू जी से प्रिपेयर जरूर करेंगे फिर बात आती है गांधी जी की गांधी जी से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मतलब इसका एरिया थोड़ा सा ब्रॉड है तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं जो इम्पोर्टेंट है एक तो गांधी जी का रोल चंपारण से जोड़ के अक्सर पूछा जाता है ठीक है तो वो यहाँ पे मैंशन नेक्स्ट स्लाइड में है एनालाइज द रोल ऑफ गांधी इन द मास मूवमेंट ऑफ बिहार बिहार में जो मास मूवमेंट हुए मास मूवमेंट जो मेनली है वो चंपारण वाला ही था बिहार, में तो especially, बिहार के में गांधी जी की का, का विश्लेषण कीजिए बदल बदल तो करेंगे गांधी जी का रोल इसमें क्या था कैसे गांधी जी ने बिहार के लोगों को चंपारण के लोगों को इंस्पायर किया मोटिवेट किया है ना वट मैसेज गांधी जी सॉट टू कन्वे थ्रू हिज इंसिस्टेंस स्वदेशी गांधी ने स्वदेशी पर जोर देकर क्या संदेश देने की कोशिश की थी स्वदेशी पर बहुत ज्यादा इम्पेसाइज करते थे गांधी जी तो गांधी जी के लिए स्वदेशी की डेफिनेशन क्या थी वट स्वदेशी मीन फॉर गांधी ओके okay? तो आपको ये बताना है स्वदेशी से वो क्या समझते थे जन जन तक स्वदेशी की डेफिनेशन उन्होंने क्या रखी ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी सोशल एंड कल्चरल थॉट इन मॉडर्न एरा आधुनिक युग में गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक जो विचार हैं उनके महत्व का वर्णन करना है जैसे उनके एजुकेशन वाले जो थॉट हैं वो आज भी रेलिवेंट है ना वो सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करते थे वो आज भी रेलेवेंट है वो वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस करते थे वो आज भी रेलेवेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसे इंक्लूड uh, किया गया है तो गांधी जी के जो सामाजिक विचार थे जो सांस्कृतिक विचार थे उनकी प्रासंगिकता आपको मेंशन करनी है, ओके, तो क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्रिटिकली वैल्यूएट द व्यूज ऑफ गांधी ऑन वर्ण जाति सिस्टम वर्ण जाति सिस्टम से गांधी जी क्या समझते थे वर्ड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी वो अपना सक्रियता जो है दर्ज कराते थे और एक तरफ वर्णा जाति में भी वो बिलीव करते थे तो वर्णा जाति से उनका क्या मतलब था वो आपको समझाना है ये इसको नेगेटिव कंटेंट इसमें बिल्कुल नहीं डालना है बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव टाइप का क्वेश्चन है इसमें बहुत पॉजिटिव ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है चैनल पर आप चाहो तो देख सकते हो आ, वीडियो अवेलेबल है डिस्कस द पीस एंड मूवमेंट ऑफ बिहार इन जर्नल एंड दी पर्टिक्यूलर इन द चंपारण मूवमेंट सेम यहाँ पे इसका लैंग्वेज बदल के पूछ ले गए सामान्य रूप से बिहार में किसान आंदोलन और विशेष रूप से चंपारण आंदोलन में गांधी के हस्तक्षेप पर चर्चा करे हस्तक्षेप लिखा हुआ है यहाँ पे ठीक है गांधी सत्याग्रह सत्याग्रह सत्याग से गांधी जी क्या समझते थे और उनके क्या विचार थे सत्याग्रह को लेकर गांधी इन कास्ट एंड रिलीजन जाति और धर्म पर गांधी जी के विचारों की चर्चा कीजिए तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ये भी आपको प्रिपेयर करना है राइट right. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गांधी नेहरू एंड टैगोर उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और हैं जिनके आने के चांसेस इस बार बन रहे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी आपको इनमें से कोई भी टॉपिक लिखने में डिफिकल्टी हो रही है या फिर किसी भी टॉपिक का कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो प्लीज डू कमेंट आप कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे जरूर बताइएगा ओके okay. इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी डीआई का प्रैक्टिस आप लोग डेली बेसिस पे करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन स्टेट्स वाला जो पार्ट है बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो 72 मार्क्स आपको एग्जाम में लाइक विक्ट्री दिला सकते हैं और आपको फेलियर भी दिला सकते हैं तो प्लीज फोकस ऑन दैट मैं बार बार इंफरसाइज कर रही हूँ इट मीन्स अलॉट एंड बाकी जो हिस्ट्री करंट अफेयर आपका इकोनॉमी जोग्राफी साइंस एंड टेक वाला पोर्शन मैं पूरा तैयार करा दूंगी राइट उसकी चिंता मत कीजिए बस आपको एक काम करना है कि आपको आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करनी है राइट नॉट मेनी ऑफ आंसर जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए रफ अपना जो फर्टर मटेरियल है दिमाग में फीड करते रहिए कहीं ना कहीं से थोड़ी थोड़ी, थोड़ी चीजें पढ़ते रहिए और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लिखिए ओके आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच